दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे तो कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो आप लोग लाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज करके आप लोग भी कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे, बस आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखना है और आप लोग भी इजिली कर पाएंगे ऐसी स्टेटस वीडियो। और उस वीडियो को आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स पर या फिर फेसबुक के अंदर भी अपलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो कैसे बनाना है सबसे पहले वो सीख लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ चीजें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले दो XML फाइल डाउनलोड करना है और दो फॉन्ट डाउनलोड करना है। जिस सॉन्ग के ऊपर इस टाइप का वीडियो एडिट करना चाहते हैं उस सॉन्ग को भी आप लोगों को डाउनलोड करना है और इमेज आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतने सब कुछ डाउनलोड हो जाने के बाद आगे क्या करना है डिटेल्स में समझाते हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो डिटेल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना और पास में जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों आप लोगों के पास एलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल के अंदर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एलाइट मोशन एप्लीकेशन को जैसे ओपन करेंगे तो कुछ टाइप का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो XML फाइल डाउनलोड किए उसको सबसे पहले एलाइट मोशन के अंदर शेयर कर देना है। करने के बाद एलाइट मोशन के अंदर जाकर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को दो XML फाइल मिल जाएगा। यहाँ पर से देख सकते हैं टेक्नो डिटेल्स 1 इफेक्ट और दूसरा है टेक्नो डिटेल्स बीट मार्क। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बीट मार्क वाले XML फाइल को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हैं फॉन्ट का एरर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट को चेंज करना है। इस वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना, एडिट फॉन्ट इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों सबसे पहले जो फॉन्ट डाउनलोड किया उसको ऐड करना है। यहाँ पर इस वाले फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना, व्यू ऑल फॉन्ट, और यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करके इनपुट फॉन्ट पर क्लिक करते आप लोग जहाँ पर डाउनलोड किए फॉन्ट को यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बैक आना है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना, एडिट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो दो फॉन्ट ऐड किए वो ऊपर मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद राइट पर क्लिक करना। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक और फॉन्ट मिल जाएगा, इसको भी एडिट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना। और यहाँ पर अगर जो फॉन्ट स्टेटस वीडियो बनाने के लिए यूज किए वो फॉन्ट एरर आ रहा है तो यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर से देख सकते हो गया काम। उसके बाद राइट पर क्लिक करना। इस तरह से सभी फॉन्ट को चेंज कर लेना सबसे पहले। जैसे चेंज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोगों को इमेज ऐड करना है। सबसे पहले वाले लेयर के ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और मीडिया पर जाकर जिस फोटो के ऊपर आप लोग एडिट करना चाहते हैं सबसे पहले उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करते ही पूरा फुल स्क्रीन तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरो के आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर इस फोटो को यहाँ तक कट कर देना। कटने के बाद इस फोटो को पकड़ के एकदम नीचे लाना है। एकदम नीचे लाने से पहले आप लोगों को सॉन्ग को ऐड करना है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ऑडियो पर जाकर सॉन्ग को सिलेक्ट करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करके। उसके बाद सॉन्ग को भी पकड़ के एकदम नीचे लाना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड बीट मार्क जाना है। यहाँ पर जितने भी लिरिक्स है इसको छोड़ के एकदम यहाँ तक आना है। उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और मीडिया पर जाकर दूसरा इमेज ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज को कट कर देना है। इस तरह से जितना दूर तक है सब जगह पर इमेज ऐड करना है। सारे इमेज जैसे ऐड करना कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पर जाना है, पहला जो लिरिक्स खत्म हो रहा है वहां तक जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस फोटो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर लेना है। करने के बाद यहाँ से बैक आना है। उसके बाद इफेक्ट वाले XML फाइल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर पहला जो इमेज है इसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पर जाना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर एकदम लास्ट में जो फोटो ऐड किए उसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर से देख सकते हैं आपका इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर से बैक जाना है। बैक आने के बाद इफेक्ट पर जाकर दूसरा जो यहाँ पर आप लोगों को दिखा है जो एक इमेज को कॉपी किए सिंपली यहाँ पर इफेक्ट पर जाना है और कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और जहाँ पर दो इमेज ऐड किए मतलब एक इमेज को फिर से कॉपी किए सिंपली उस पहले वाले इमेज के ऊपर क्लिक करना और इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर के अंदर जाकर इसका साइज को कम कर देना है, 750 तक कर देना है, 750 या फिर 60 तक कर देना है। आप लोग देख लेना अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद इफेक्ट पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर से देख सकते हैं एक छोटा वाला लेयर है और एक बड़ा वाला लेयर है। सिंपली छोटे वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पर जाना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद फिर से बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर जितने भी फोटो ऐड किए आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी छोटे साइज का फोटो ऐड किए सब जगह पर ये छोटे वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। जितने भी छोटा फोटो है यहाँ पर सब जगह पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, बड़े वाले पर नहीं, यहाँ पर छोटे वाले इमेज के अंदर सारे इफेक्ट को पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही सारे कंप्लीट हो उसके बाद फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर बड़े वाले जो लेयर है इसके अंदर जगह थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको कॉपी करना है। उसके बाद फिर से बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर जितने भी बड़े इमेज है इसके अंदर जाकर हर इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। जितने भी बड़े इमेज है सब के अंदर इस
तरह से एक एक करके पेस्ट कर देना है इफेक्ट को। जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोगों का क्या करना है, यहाँ पर फिर से बैक आना है और यहाँ पर इफेक्ट पर जाकर ये सारे लेयर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर से बैक आना है और यहाँ पर जाकर सबको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं आपका वीडियो बनकर पूरा रेडी हो चुका है। आप लोग चाहे तो यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं। जैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के बगल में एक एरो का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके एकदम हाई क्वालिटी में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और इजिली अपने कैमरे के अंदर सेव हो जाएगा और उस वीडियो को आप लोग कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से इस टाइप का स्टेटस वीडियो बनाना है। बस आप लोगों को दो XML फाइल और म्यूजिक डाउनलोड करना है। बस इतना सा काम करने के बाद आप लोग भी इजिली इस टाइप का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन का यूज करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।